गाइस, मैं हूं नीलू और मेरे चैनल निशु ऑलवेज खुश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्वीट कॉर्न कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वीट कॉर्न बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया है, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने दो आलू ले लिए हैं और इसको ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने दो ब्रेड ले लिया है, आप चाहे तो ब्रेड क्रम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने स्टिक ले लिया है, आप कोई भी किसी भी तरह का स्टिक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मसाले हैं, जिसमें मैंने साल्ट लिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट, टर्मरिक पाउडर एंड गर्म मसाला, और ये रेड चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो सीजनिंग है। और यहाँ पे कैप्सिकम मैंने लिया हाफ है और इसको मैंने ऐसे कट कर लिया है। और यहाँ पे ग्रीन चिली है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, मैंने इसको कद्दूकस किया है, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये अनियन था। और यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स है और ये कॉर्नफ्लोर है 3 स्पून। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग स्वीट कॉर्न को इस तरह से जार में डालकर इसको पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है। और इसमें इस आलू को भी हम डाल देंगे, ये कच्चे आलू हैं। और इसमें ये अनियन भी हम डाल देंगे और इन मसालों को भी हम ऐड कर देंगे इसमें, और इन्हें भी हम डाल देंगे, लहसुन अदरक और मिर्च, और ये हरी धनिया भी हम डाल देंगे। और उसके बाद ये सब्जी है जो कैप्सिकम, इसके अलावा आप गाजर भी डाल सकते हैं इसमें। और ये चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो सीजनिंग, ये ऑप्शनल है गाइस। और इसके अलावा ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप राइस फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ब्रेड को इस तरह से मैंने गीला कर लिया है पानी में और इसका पानी सब निकाल दिया है निचोड़ के, और इस तरह से तोड़ के हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। और इनको अच्छे से हम मिला लेंगे। और देखिए, थोड़ा सा कॉर्न मैंने बचा लिया था, उसको मैंने ऐसे ही डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और यहाँ पे हाथों में मैंने तेल लगा लिया है और इस तरह से चपटा कर लेंगे हम। आप इसकी साइज़ जो है अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से स्टिक को डालने के बाद इसको हम ऐसे कवर कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बनके रेडी हो जाते हैं। और अगर आप स्टिक नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप केवल टिक्की की तरह या फिर किसी भी शेप में बनाकर आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्लेट में इस तरह से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने लगा लिया ताकि हमारा ये प्लेट में चिपके ना कबाब। और इसी तरह से सारे हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। तो इस तरह से हम डाल के देख लेंगे। तो ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है और इसमें हम इस तरह से कबाब को डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा एक साथ ना डालें, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, हम देख सकते हैं। और जब नीचे से हल्का सा क्रिस्पी हो जाए तभी हम इसे पलटेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और जो बाकी के हमारे कबाब है उन्हें भी हम इसी तरह से डाल देंगे, आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये देखिए, हमारे स्वीट कॉर्न कबाब जो है वो बनके रेडी हो गए और लग रहे हैं ना कितने लजीज और क्रंची। तो इसे आप टोमेटो केचप के साथ, हरी धनिया चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही टेस्टी है। और इसे आप किसी भी पार्टी के स्टार्टर में या स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं। तो गाइज़, मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक मी एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई न्यू वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।